पंजाब विधानसभा चोणां नूं लै के वोटां पैण नूं कुछ ही दिन रह गए ने। हुण सारियां ही सियासी पार्टियां पंजाब दे विच सरगर्म नज़र आ रहियां ने। इस वेले साडे नाल सरदार सुखबीर सिंह बादल जो श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान ते साबका उप मुख्यमंत्री ने मौजूद ने। हाल ही में श्रोमणी अकाली दल ने अपना चोण मैनीफेस्टो जारी किया, गलबात करांगे। बादल साहब, चोण मैनीफेस्टो जिहड़ा तुसीं जारी किया बड़े वड्डे वादे किए ने, चोण मैनीफेस्टो देख के तो हरेक किसी का दिल करेगा तुहानूं ही वोट पाई जाए, पर लोगों का भरोसा किवें जितोगे? देखो, पुराना इतिहास है कि असी जो क्या वो किया, जो असी ट्यूबवैलों के बिल क्या असी माफ़ करा उदों भी कहें लोग किवें करा करते, जो असी क्या असी आटा दाल देवे गरीब नूं उदों कांग्रेस कहें किवें करा करते सी। सानू सरकार चलानी आती है, पैसा किवें वधाउणा वह भी आता है तो देना भी आता है। असी जो क्या हाले तक जो भी जो क्या, मैं बिजली सरप्लस क्या करती, आ सड़कों की जाल देखो सारिया आप बनाई हैं। सो असी जवान दे पक्के हैं क्योंकि असी रहना इत्थे है, पंजाब दी कल्ली पंजाबियां दी कोई पार्टी है श्रोमणी अकाली दल है। इस करके साडा असी जो कहने जिम्मेवारी नाल कहने। ये तुसीं बड़ा वड्डा वादा किया 400 यूनिट जिहड़े बिजली दे मुफ्त होणगे एक महीने दे, ये 400 यूनिट किसी खास वर्ग लई होणगे जां पूरे पंजाब वासियां लई? सारिआं वास्ते। पहले 400 यूनिट असी सोलर प्लांट ला के, असी सोलर प्लांट ते इनवैसट कर रहे हैं, वो सोलर प्लांट की बिजली असी देवांगे बिजली बैंक नूं, तो वो फिर फ्री अगे ट्रांसफर हो गई। पिछली बार कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वड्डे वादे किए थे पर पूरे नहीं हुए, इस करके कांग्रेस का अज घराओ देखने को मिलता कई थावां ते। तुसीं देखिया ना असी झूठियां सौं खाण वाले हैं, ना असी फार्म भरा, जिहड़े फार्म ते झूठियां सौं खाते ना वो बेसिकली लोगों को ठगी मारना चाहते हैं। असी जबान दे पक्के हैं। बुढ़ापा पेंशन की तुसीं गल की है कि तुसीं बुढ़ापा पेंशन 1500 तो वधा के आई थिंक 3500 रुपये कर 3100 रुपये कर दोगे, सो तुहानूं लगता कि पॉसिबल है फंड आजूगा इन्ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 3100 कोई वड्डी गल नहीं है। बजुर्गों नूं अज दी डेट च देखो किन्नी महंगाई हो गई, 3100 ना घट तो घट कुछ ना कुछ तो उन्हां दा कोई काम चलूगा। पर पिछली बार कांग्रेस ने जिहड़ा चक्करव्यूह तुहाडे लई बनाया, उस चक्करव्यूह दे विच तुहानूं लगता है कि हुण श्रोमणी अकाली दल निकल चुका है क्योंकि तुसीं इल्जाम लाउंदे हो कांग्रेस ने तुहाडे उत्ते झूठे दोष लाए? सी, कांग्रेस पार्टी एक वो पार्टी है जिहड़े झूठ सारा ड्रामा ही 5 साल झूठ ते निर्भर किया, काम कुछ किया नहीं, लुटते रहे। तो तुसीं देखिया होना अज हालात है जी बन गई पंजाब दे विच, कांग्रेस का सफाया हो गया, चन्नी आप दोनों सीटा तो हार रहे, सारे मंत्री हारी जाते हैं। सो जिस सरकार दे कैबिनेट मिनिस्टर सारे हार जान वो सरकार की करूगी? बादल साहब, इस बार नवजोत सिंह सिद्धू ते चरणजीत सिंह चन्नी विचाले कोल्ड वार चल रही है, उधर कैप्टन अमरिंदर सिंह भी कांग्रेस नूं हराउण लई पूरे पब्बा पार लग रहे हैं, तुहानूं लगता है कि जो कुछ सिनेरियो चल रहा है इस कोल्ड वार का श्रोमणी अकाली दल नूं फायदा मिलेगा? देखो, उन्हां नूं लड़न दी मैं हैरान है, दोनों लड़ी जाते हैं कि सानूं सीएम चेहरा बनाओ, थोड़े 10 तां एमएलए आने हैं वो भी नहीं आने, तो तुसीं सीएम चेहरे की लड़ाई क्यों लड़ी जाते हो? चुप करके काम करो, लड़ाई उन्हां दी कुर्सी दी है, होर कोई लड़ाई नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू दे मुकाबले तुसीं बिक्रम सिंह मजीठिया नूं चोण मैदान दे विच उतार दिता, लगदा नहीं वड्डा रिस्क सी? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिक्रम सिंह मजीठिया जमीन नाल जुड़े हुए लीडर है, जबान दे पक्के है, मेहनती है। अमृतसर ईस्ट हल्के नूं इक अजिहा लीडर चाहीदा सी जिहड़ा मेहनत करके वह हल्के नूं सुधारे, अज इन्नी माड़ी हालत उत्थे। नवजोत सिंह सिद्धू 10 साल हो गए उत्थों दा जिद एमएलए बने, एक दिन नहीं गया उत्थे, उत्थे गलियां पीण वाला पानी नहीं है, सीवरेज नहीं है, बुरा हाल है, ऐसा माड़ा हाल किसी असैम्बली हाल के नहीं देखा जिद अमृतसर ईस्ट है। बादल साहब, एक गल समझाओ, पहला जो अज तो 6 महीने पहला चले जाने आप, तो उस वेले श्रोमणी अकाली दल का कई थावां ते विरोध देखने को मिलिया, पर हुण तुहाड़ियां रैलियां दे विच वड्डा इकट्ठ हो रहा है, अजी कि जादू की छड़ी हाथ लग गई कि उही लोग हुण तुहाड़ी रैलियां विच बैठे हुए ने? अकाली दल 100 साल पुरानी पार्टी है, जमीन नाल जुड़ी पार्टी है, साढ़े घर घर दिलों च बसी पार्टी है। पिछली बार इन्होंने झूठ का माहौल किया, लोगों के मन चू ए झूठ गुटका साहब भी सौं खाधी कि मैं सारे का कर्जा माफ़ कर दूंगा। सो गरीब साढ़े वर्कर भी उस गल च आ गए कि कर्जा माफ़ कर दूंगा कैप्टन, तो उधर वोट पै गई, नहीं तो पिछली बार भी सरकार अपनी बन जानी सी। बादल साहब, ये समझाओ, जिहड़े सीएम चन्नी ने वह वार वार हरेक मंच तो यह कह रहे हैं मैं गरीब हाँ, गरीब परिवार तो, इस करके दूजा मेरे तो मुश्किल आती है, इस गरीब शब्द का तुम कोई तोड़ लभ्या? चन्नी की जायदाद देखी होनी है तुम्हें, जो लिस्ट आई है 170 करोड़ की है, 170 करोड़ वाला गरीब तो होंदा नहीं। चन्नी का बेटा 3.5 करोड़ की मर्सिडीज़ गड्डी चलाउंदा है, गरीब तो चलाउंदा नहीं। चन्नी के घरे 10 करोड़ रुपये फड़ा गया, गरीब के घरे 10 करोड़ तो होंदा नहीं। एवें लोगों को क्यों बेवकूफ़ बनाई जाने? सो तुहानूं लगता है कि सीएम चन्नी झूठ बोल रहे हैं? मैनू कहन की लोड़ ही नहीं, 10 करोड़ फड़ा गया, लोगों ने देखा, वो कोठी देखो,
ਉਹ ਜੀ ਕੋਠੀ ਗਰੀਬ ਹਰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਬਣ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜੀ। ਸੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਪਾਊਗੀ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਛੱਡਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਪੰਤ ਸਾਹਿਬ, ਅਕੇਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਧਰ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਲਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ? ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ ਸੀ, ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਲੋਕ ਅਨਟੱਚਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਐਕਤੀ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਣਾਓ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਐਕਚੁਲੀ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਉਦੋਂ ਸਟੇਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਹੁਣ ਤੋੜ ਵਿਛੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਪਾਊਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ? ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਮਸਾਉਣੀਆਂ, ਬਸ ਇੱਕ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇੱਕ ਦੋ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਸੀ, 800 ਜਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿਨੈਰੀਓ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, 117 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕੱਢ ਜਾਓਗੇ? 80 ਤੋਂ ਵੱਧ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਕੱਢਣਗੇ। ਬਸਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਨ ਨੇੜੇ ਹੋਣ, ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਫਤਵਾ ਕਿਸ ਨੂੰ